Assalamualaikum. Welcome to my channel and Facebook page Irfan Chaudhary Stock. मैं और इरफान चौधरी एंड मेरे साथ मौजूद है सैयद अली हमजा। शाह साहब, हमने देख रहे होते हैं घर के जो मामला चल रहे होते हैं ना, वहाँ पे मुकाबलेबाजी आ जाती है। हमने बहुत दफ़ा अपने खुद सॉल्व देखे हुए हैं, हमें अपने दोस्तों के देखे हुए यार अच्छी लाइफ गुजार रहे होते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होते हैं, कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं, छोटे बच्चे भी होते हैं। हत्या के अगर शोहर बीवी को मार रहे हैं तो घर के सारे मामला डिस्टर्ब हैं, उनके वालदे मोहतरम की वालदा बच्चे हर मामला डिस्टर्ब है। ये हो क्यों रहा है, उन दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, किसी के पीछे लग के शायद मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है या क्या हो रहा है। बीवी देखे ना, बीवी को क्या चाहिए था, शोहर को सुकून देती ना, शोहर को अच्छे आइडियाज देती, वो भाई के ताने दे रही है, इसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग मिसबिहेवियर। और देखे शोहर को खुद टेंशन दे रही है, खुद परेशानियाँ लगवा रही है और उसके बाद दवाएं कर रही है। सबसे बड़ा जो फैक्ट है, एक ये फैक्ट है, बाद में हम क्या करते हैं, हम अल्लाह ताला की तरफ इतना ज़्यादा रजू नहीं करते, हम कहते हैं हमें अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन है। जो आपको अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन है तो बापों के पास जाने की क्या ज़रूरत है आपको। और वो वाले शाह साहब इसमें थोड़ी सी बात हुई, वो जिनका कि जिन्हें पहला कलमा नहीं आता, ये नहीं मैं कह रहा कि वो मज़ारों में जिन्हें पहला कलमा नहीं आता उनके पास जा रहे हो, क्योंकि इसके अंदर जहालियत में हम चले गए हैं। और आज कल के इतने ज़्यादा इनके एजुकेटेड यानी कि माशरे में सोसाइटी में हम इतना पीछे जा रहे हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जैसे कि आपने बताया कि रिश्ते क्यों खराब होते हैं, अच्छा बड़ा सुकून चलता है, उधर आ जाती है मुकाबलेबाजी। मुकाबलेबाजी क्यों होती है कि असल में यकीन ही है ना अपने खुदा पर, मेरे पास ये नहीं है, उसके पास वो है, भाई ये कितना आ गया, पता नहीं कितना कमा रहा है, ये चीज़ें जब अंदर आ जाती हैं ना तो रिश्ते खराब हो जाते हैं। फिर वो तानेबाजी, मसले मिसाइल, परेशानियाँ ये घेर लेती हैं। जब अपने जो आपके साथ रिश्तेदार आपके साथ है उनके तो यकीन करो, जैसे मियाँ बीवी हैं तो आपस में इतमाद होना चाहिए। बिल्कुल, ये नहीं कि जो बीवी है वो दूसरों की बातों को लग के शोर को डील करती रहे। और जब नफरत पैदा कर दी, इससे इंसान का दिमाग बड़ा खराब हो जाता है। एक इंसान जिंदगी लाइफ होती है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। मर्द के बाद थोड़ी कहा जाता है, वो एक बंदा जाता है वीज़ा की तलाश में, बाहर निकलता है, रोजगार कमाता है, लेकिन उस दिन जब आता है घर में तो उसे ये बातें सुननी पड़ती है, क्या तुम्हें सुकून चाहिए। हालांकि कहता है कि मैं अपने बीवी बच्चों को अच्छा पालू, बीवी क्या आती है कि दूसरों की बातें सुन के दूसरों का अमल करके अपना घर खराब करना। फिर मसला खुद, असल ना इंसान खुद अपने मसाइल खुद पैदा करता है, खुद पैदा करता है। अल्लाह ताला चाहता कि इंसान में मसाइल पैदा हो, फिर क्यों नहीं दुआएं कबूल होती, क्योंकि खुद से उसको हल ही करना, दुआएं मांगने या दूसरों कहना यार मेरे मसाइल चलना, जब बंदा खुद तैयार ना हो उसे पता होता है हर चीज़ खराब है, जब खुद मामला को सोल्व करने की कोशिश करेगा तो उसके मसाइल खुद हल होंगे। शाह साहब, अब देखिए हमने बड़ी अच्छी बहुत अच्छी बात की, मसाइल खुद पैदा किए जाते हैं। जब आपको खाना मिल रहा है, आपको कपड़े मिल रहे हैं, आपके बच्चों को एजुकेशन भी मिल रही है, अगर वो अपने भाई के साथ कोई अच्छा सलूक कर देते हैं, अपने भाई के घर चले जाते हैं, और इसके बरअक्स आपके जो रिश्तेदार हैं उनके साथ भी जाके अच्छा सलूक कर रहा है शाह साहब, जहाँ पे उनके साथ ज़रूरत पेश आ रही है वहाँ पे जा रहे हैं। अगर ईद की बात करूँ, ईद आ रही है कि अगर वो अपने भाइयों को ईदी दे रहा है और साथ आपके रिश्तेदारों को भी ईदी जा रही है, फिर आपको इसमें क्या मसला है, आप क्यों प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं इसके लिए, किस बात की कि उसके बेटे ने मेरे बेटे को ईदी नहीं दी। शाह साहब, यानी कि बिल्कुल वो वाले जो घरों में विल ले बैठे, मीन्स कि हमने अपने शोर का हाथ तो नहीं बटाना लेकिन इस तरह के मसले हल कर देने। इसके बड़े शाह साहब देखिए ना, कुछ इस तरह की बीवियाँ भी होती हैं जो दो टाइम का खाना खा रही होती है शाह साहब, वो जो यानी कि कोशिश करके चलो अपने बेटे को मैं कुछ ज़्यादा एजुकेशन दे दूँगी, स्कूल थोड़ा अगर कम एजुकेटेड स्कूल में भी पढ़ा देती हूँ तो मेरा शोर को कुछ सुकून मिल जाएगा, कुछ सेविंग हो जाएगी, ये ज़्यादा बेस्ट। देखिए इस तरह की बीवीज भी हैं। जी जी बिल्कुल, इस तरह की बिल्कुल हैं, वो अपना घर का माहौल बड़ा अच्छा रखती हैं, वो अपने जो हथबड़े होते हैं उनको सुकून मुहैया करती है कि ताकि कोई इस तरह का मतलब वो अपने जरूरियात पीछे हटा लेती हैं, जब बच्चे देती हैं तो सारा उनको पालना अच्छी तरह दुनिया भी देखती है, मान तरबियत की है, और ये जब सारे मामला होते हैं तो फिर घर में सुकून पैदा हो जाता है। तो हर बंदे को इसे सीखना चाहिए ना।